फ्रेंड्स, मैं सालू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। आप देख सकते हैं ये अलमंडा का जो फ्लावर्स है कितना बिग साइज का खिला है। तो मेरे अलमंडा जो है थोड़ा लेट खिल रहे हैं फ्रेंड्स, और इसमें बर्ड्स भी बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब मेरे अलमंडा जाकर खिल रहे हैं, अब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके बिग साइज के फ्लावर्स जो हैं इसमें आ रहे हैं। अभी बोगनविला भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से मेरे पास एक ही कलर का ये पिंक कलर का बोगनविला है, और देखिए मैंने इसकी कटिंग भी लगा के और भी प्लांट जो है वो रेडी कर लिए हैं, और इसमें फ्लावर जो है अभी बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गई है। देखिए इसके हर ब्रांच पे फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स। इधर के जो प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कलांचो हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, गुलदाउदी हो गए, तो इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है क्योंकि इनमें बर्ड्स जो हैं वो बन रहे हैं और इनकी ग्रोथ भी अभी बहुत ही फास्ट हो रही है। ये सारे मेरे गुलदाउदी के प्लांट हैं जिसे मैंने कटिंग से ही रेडी किया है फ्रेंड्स, और सभी प्लांट्स मेरे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, और किसी किसी प्लांट में तो बर्ड्स भी आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें मेरे सारे गुलदाउदी के प्लांट्स हो गए फ्रेंड, और ये देखिए ये है कलांचो के प्लांट। तो कलांचो के और भी प्लांट्स हैं मेरे, तो कलांचो के प्लांट में भी बर्ड्स जो हैं आना स्टार्ट हो गई है। इस तरह से देख सकते हैं आप, इसमें भी बर्ड्स जो है अब धीरे धीरे आ रहे हैं फ्रेंड। तो इन सभी प्लांट्स को अभी अच्छे से केयर की ज़रूरत है। इधर के प्लांट्स हैं फ्रेंड, जैसे कि कलांचो हो गया, गुलदाउदी, और इधर देखिए ये है मैरीगोल्ड। तो ये जाफरी वाला मैरीगोल्ड है, तो इसमें भी बर्ड्स जो हैं स्टार्ट हो गए हैं। अपने सारे विंटर्स के प्लांट की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है, और उनमें जो भी प्लांट्स के पत्ते जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, सूख गए हैं, तो उन्हें हटा देना है फ्रेंड, ताकि हमारे प्लांट में फंगस ना लगे। तो किसी किसी गमले में मैंने गुड़ाई कर दी है, और किसी किसी में बाकी है, तो उसमें भी मैं अच्छे से गुड़ाई कर दूँगी। तो बाकी गमलों की तो मैंने गुड़ाई कर दी है, किसी किसी गमले में बाकी है। तो इस तरह से हमें अपने सभी प्लांट के गमले की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है फ्रेंड्स। प्लांट्स की मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी है फ्रेंड, और इनमें ज़्यादातर मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। ये जो विंटर के प्लांट है, तो इनमें नॉर्मल पानी बहुत ही कम डालती हूँ फ्रेंड। जब भी इनकी मिट्टी जो है वो हल्की सूख जाती है, तो इन सभी प्लांट्स में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारे घर से निकलता रहता है, चावल दाल का पानी या फिर सब्जियों के छिलके का पानी, तो वही सब मैं इसमें डालती रहती हूँ फ्रेंड। इसमें भी विंटर के फ्लावर्स प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड, तो आज मैं सभी को कंपोस्ट दूंगी, और चलिए देखते हैं कि वो कौन सा कंपोस्ट है। देखते हैं कि मैंने कंपोस्ट जो है ले लिया है फ्रेंड्स, और ये देखिए ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो कि मैंने घर में ही रेडी किया है। मैंने आप लोग से शेयर भी किया है फ्रेंड। ये मेरे घर में तैयार हुए किचन वेस्ट कंपोस्ट है, जिसमें सभी पोषक तत्व जो है रहते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड। और इसमें मैं ऐड करूँगी दो और चीज़। तो आप देख सकते हैं इधर है हल्दी का पाउडर, जो कि हमारे प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स को फंगस से बचाएगा। ये फ्लावर्स प्लांट होते हैं फ्रेंड, ये सीजनल प्लांट होते हैं, ज़्यादा दिनों तक ये नहीं रहते हैं, तो इनकी केयर हमें अच्छे से करनी होती है, तो इनमें फंगस वगैरह कीड़े और बहुत ही लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें इनमें इस तरह से हल्दी का पाउडर का यूज करना चाहिए, ताकि हमारा प्लांट जो है वो फंगस से बचा रहेगा और हेल्दी अच्छे से ग्रो होता रहेगा फ्रेंड। और देख सकते हैं आप, एक और चीज़ मैंने लिया है यहाँ पर, यह है डीएपी। तो डीएपी के कुछ दाने भी मैं उसमें डालूंगी फ्रेंड। डीएपी जो है बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। डीएपी के ज़्यादा दाने यूज नहीं करना है फ्रेंड, बस 4-5 दाने ही मैं एक पॉट में डालूंगी। डीएपी के यूज करने से हमारे जो प्लांट है इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है, इनमें रूट जो है अच्छे से बनती है, और फ्लावरिंग भी अच्छे से होती है फ्रेंड। तो विंटर के प्लांट्स के लिए मैं डीएपी यूज करती हूँ फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। वेस्ट कंपोस्ट है, इसमें मैं हल्दी का पाउडर जो है मिक्स कर दूंगी फ्रेंड, और एक एक मुट्ठी मैं अपने सभी प्लांट्स को दे दूंगी। तो इस तरह से हम सभी फर्टिलाइज़र को मिक्स कर लेंगे। तो अभी गोबर की खाद जो है मेरे पास नहीं है, उसके बाद अभी मैं इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट ही सभी प्लांट्स में दूंगी, उसके बाद मैं गोबर की खाद भी इनमें बाद में दे दूंगी। आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी दे सकते हैं। गोबर की खाद जो है वो हमारे विंटर प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है फ्रेंड्स। किचन वेस्ट कंपोस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे प्लांट्स को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। अगर इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी पड़ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। देखते हैं कि हल्दी पाउडर को मैंने इस कंपोस्ट में जो है ऐड कर दिया फ्रेंड। अब सभी प्लांट्स में इस तरह से एक एक मुट्ठी सभी प्लांट्स में ये जो किचन वेस्ट कंपोस्ट हमने रेडी किया है इसे मैं दे दूँगी फ्रेंड। और ज़्यादा डीएपी के जो दाने हैं उसे बहुत ही कम देना है हमें, देख सकते हैं आप, बस 4 से 5 दाने ही मैं सभी प्लांट्स में इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितना भी फर्टिलाइज़र मैंने लिया था फ्रेंड, सभी को मैंने अपने सभी विंटर के फ्लावर्स प्लांट, गुलदाउदी, मैरीगोल्ड सभी में डाल दिया है। सभी प्लांट्स में हमने फर्टिलाइज़र जो है वो दे दिया है फ्रेंड। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी के जगह पे हम इसमें नॉर्मल वाटर जो है वो नहीं डालेंगे। यह है चावल का दाल का धुला हुआ पानी और इसमें थोड़ा सा चना का पानी भी है। तो चना फूलने के लिए जो हम देते हैं तो उसका पानी भी होता है, तो वो भी इसमें मिक्स है। डायरेक्ट इसी तरह से नहीं देना है फ्रेंड, तो इसमें हम पानी ढेर सारा नॉर्मल वाटर भी ऐड करेंगे, तभी हम सभी प्लांट्स में दे देंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसे ले लिया है और अब हम इसमें नॉर्मल जो सादा पानी है वो मिला दिया हमने। तो थोड़ा थोड़ा हम सभी प्लांट्स पर इसी तरह से दे देते हैं फ्रेंड्स। जितने भी विंटर के फ्लावर्स प्लांट थे फ्रेंड, सभी में मैंने फर्टिलाइज़र जो है वो डाल दिया है। अब प्लांट्स मेरा अच्छे से हेल्दी ग्रो होता रहेगा। देख सकते हैं इसमें बड्स जो हैं अब बन रही हैं, तो इन्हें फर्टिलाइज़र की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा ये फर्टिलाइज़र और मेरे जो विंटर के प्लांट्स हैं? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।